सोलन में जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के बीचों बीच पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए शहरवासी अब जोनाजी रोड, सिली रोड और फॉरेस्ट रोड पर अपनी गाड़ियां खड़े करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन यहां अब इतने ज्यादा वाहन खड़े होने लगे हैं कि ये वाहन आसपास रह रहे लोगों के लिए एक समस्या बन चुके हैं। अक्सर इन सड़कों पर वाहन खड़े होने की वजह से लंबे जाम लगने आरम्भ हो गए हैं। लोगों को अपने घरों में जाना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि इन सड़कों पर जो वाहन खड़े हैं वे आसपास रह रहे लोगों के नहीं बल्कि शहर के अन्य क्षेत्र निवासियों के वाहन हैं। इस समस्या पर जिला प्रशासन को जल्द कोई कार्यवाही अमल में लानी चाहिए, अन्यथा ये समस्या जल्द ही विकराल रूप ले सकती है। जोनाजी रोड के निवासी ने बताया कि जोनाजी सड़क पर लोग अपने वाहन बेतरतीब से खड़े कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इस सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई वाहन चालक अपने वाहन तीखे मोड़ पर खड़े करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क की चौड़ाई बेहद कम हो जाती है, जो दुर्घटना का कारण बनती है। इस वजह से कई बार इस मोड़ पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन यातायात पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, जिस पर यातायात पुलिस पहले चालान करने आती थी, लेकिन अब उन्होंने इस रोड की सुध लेनी बंद कर दी है, जिसके कारण स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सड़क पे जो गाड़ियां लगी हैं, इधर आपने देखा होगा जो मोड़ है, इस मोड़ के पास से इधर से उधर का कुछ नहीं दिखाई देता। लोग अनऑथराइज गाड़ियां जो है ये खड़ी करके चले जाते हैं, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा, और कई बार एक्सीडेंट हुए भी हैं, जो कि इधर से गाड़ी जाती है उधर से भी गाड़ी जाती है, स्पेस होता नहीं, मोड़ पे दिखाई देता नहीं। पहले तो यहाँ चालान काफ़ी होते थे, अब आजकल चालान नहीं होने के कारण लोग गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी करके चले जाते हैं। आपके पीछे भी देखिए गाड़ियाँ अनऑथराइज खड़ी हुई, तो जिसके यहाँ जाम बहुत लग जाता है, जाम लग जाने के कारण काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, इसलिए इसका अनुरोध है कि इस प्रशासन से कि इसके को जरा सा साफ रखें रास्ते को, जिससे कि आगे आने वाले दुर्घटना को रोका जा सके। धन्यवाद। जैसे आपकी यहाँ पर दुकान है, क्या कितने एक्सीडेंट आपने अपने आंखों में? मैंने यहाँ कई बार देखे, मैंने एक्सीडेंट जो हुए आपस में, फिर लोगों ने बीच बचाव करा भी लिया, हो भी गया,